वेल्थ क्या है पावर जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर या पैसा अस्सी हजार के शूज है अस्सी हजार के तेरा घर जाएंगे इसमें रिलेशनशिप्स रिटायरमेंट या सब कुछ मैंने सोचा राधिका मैम को ज्यादा पता होगा उनकी जर्नी मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगती है शी वाज बुलीड इन अ स्कूल एंड रिजेक्टेड बाय सेवन बिगेस्ट कंसल्टिंग फर्म्स इन अ रो एंड व्हेन शी वाज सुसाइडल हर लाइफ took the most important turn उनके एट्थ इंटरव्यू में शी वाज हायर्ड बाय मैकेंजी एंड उन्हें उस दिन समझ आया दैट एवरी पर्सन इज यूनिक इररिप्लेसेबल एंड वैल्यूएबल 2008 के क्राइसिस के बाद

तो मैं पहुंच गया। ये है uh, ka <laughs> है। है? है? का ऑफिस। काफी क्रेजी वेल्थ वेल्थ क्या किधर मिलती हम क्यों अचीव नहीं कर पाते? ट आई होप आपके लिए भी ये उतना ही वैल्यूएबल होगा जितना मेरे लिए था स्पेशल थैंक्स टू राधिका मैम टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ जागरूक टॉक्स सीजन टू पावर्ड बाई फ्रेड तो राधिका मैम वेलकम टू जागरूक टॉक सीजन टू थैंक यू सो मच आपके पास हम आज स्पेशली इसलिए आए हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोगों की स्टोरीज हैं एंड विद स्टोरीज कम लेसन सो फर्स्टली लेट मी आस्क यू व्हाट इज वेल्थ अकॉर्डिंग टू यू वेल्थ ना मैंने रियलाइज किया है वक्त के साथ इट इज़ वेरी इमोशनल और इसके अलग अलग लोगों के बहुत अलग अलग मीनिंग्स हैं कुछ लोगों के लिए वेल्थ इज़ फ्रीडम फ्रीडम टू लिव देयर लाइफ उनके हिसाब से उनके मुताबिक से कुछ लोगों के लिए वेल्थ इज अ सेंस ऑफ पावर सेंस ऑफ अकमप्लीशमेंट क्योंकि उनका एक पास्ट का बैगेज होता है दे वांट टू प्रूव समथिंग विद वेल्थ कुछ लोगों के लिए वेल्थ इज कंपटीशन एक तेरा एक मेरा तो ये बहुत अलग अलग लोगों के पीपल हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग्स टू वेल्थ एंड वेल्थ इज डीपली इमोशनल एट सम लेवल आई थिंक दुनिया में तो जो आधे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो उनका कोर रीज़न तो वेल्थ होता है तो वेल्थ exactly. बहुत इमोशनल चीज़ है आपकी वेल्थ क्या है इफ आई यू पर्सनली मेरे लिए बड़ा मिक्स्ड है आई थिंक फॉर मी मनी पैसा वेल्थ इज़ अ मींस टू एन एंड इट्स नॉट कि मैं अपने पर्सनली खुद कह रही हूँ कि अपने बैंक अकाउंट में इफ देर इज अ लॉट ऑफ मनी यू नो दैट मनी इन इट सेल्फ डजेंट मेक मी हैप्पी टू बट इफ इट इनेबल्स मी टू लिव अ बेटर लाइफ टू गिव माई पेरेंट्स एक्सपीरियंसिस टू परस्यू थिंग्स आई वॉन्ट टू डू देन आई फील नाइस यू नो आई ऑलवेज से इवन इन द जॉब आई डू आई वॉन्ट टू बी पेड वेल्प फॉर वट आई डू

और हमारे बारे में पता चला उन्होंने कहा आप लड़की हो मैं आपको थाने नहीं बुलाऊंगा मैं आऊंगा आपसे मिलने एंड उनका तब सारा पैसा एफडी में था चालीस साल के करीब इंसान थे बच्चे भी थे भाई भी था उनके बच्चे थे और पेरेंट्स थे एंड टू हिम वेल्थ वॉज अ जर्नी कि मैंने अपने ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से निकल के मैंने एक बिजनेस खड़ा किया है कुछ करा है अब आई ग्रेजुअली वॉन्ट टू मूव फ्रॉम एफ टू इन्वेस्टमेंट्स और उनके साथ मैंने धीरे धीरे वो जर्नी तय की तो एक्चुअली वो मेरे लिए सबसे uh, मेमोरेबल रहे एंड यू नो द नाइस थिंग इज एक्विटी को वो धीरे धीरे सीखे वो दो करोड़ या तीन करोड़ या जो भी उनके पास पैसा था उन्होंने डायरेक्टली जम करके एक्विटी में नहीं डाला धीरे धीरे शुरुआत की मार्केट गिरा बढ़ा सीखे समझे सो दैट वॉज वन ऑफ माई मोस्ट मेमोरेबल जर्नीस इससे अगर मैं कोई ड्रा करूँ तो मुझे लगता है कि किसी इंसान के पास इतना पैसा होना मतलब अपर मिडिल क्लास या अपर, hmm. अपर क्लास में चले गए उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि आई डोंट नो अबाउट द मार्केट्स उन्होंने पूरी एक्सेप्टेंस की वो आके दो तीन घंटे बैठते थे और पहले आई थिंक पहले छह महीने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया हमने सिर्फ आते कि right. कि ये क्या क्या है ऑप्शंस ये मुझे समझाइए ये, ये मुझे सिखाइए गोल्ड में निवेश करते हैं तो कैसा होता है तो आई थिंक इसमें सबसे बड़ा लेसन ये है कि उन्होंने एडवाइस ली और लोगों की सुनी है एक एक्सपर्ट की सुनी है। हम लोग बार बार कहते हैं एडवाइस जरूरी है एडवाइस ज़रूरी है सुनते नहीं है दूसरे आदमी की जो एक एक्सपर्ट होता है वो सुनते थे बहुत बहुत अच्छी बात है आ, ये कब कब की बात थी आ, ये मैं आपको बताऊँ दो और दो के बीच की बात थी तब तो फिर भी पॉसिबल था यूट्यूबर्स नहीं थे यूट्यूबर्स <laughs> <laughs> नहीं थे वो यू नो आई थिंक और दूसरी बात वो भरोसा करते थे तब हाँ यूट्यूबर्स सोशल मीडिया ये सब नहीं था लेकिन जान पहचान वाले तो राय सलाह देते ही इंडिया में एवरीबडी गिव्स एडवाइस लेकिन जिसको ट्रस्ट करते थे ना उसको पूरी तरह ट्रस्ट करते थे राइट right. ये आई थिंक बहुत बड़ा लेसन है ऐसा नहीं है कि सारे यूट्यूबर्स गलत ही एडवाइस देते हैं बट विद दैट्स गोइंग अराउंड ऑन सोशल मीडिया आपको ऐसा लगता है बस मिस हो जाएगी अभी कर लेते हैं आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया आई वॉन्ट स्टार्टो आज आजकल अटैक भी बहुत होता है मैं खुद सोशल मीडिया पर बहुत यू नो एक्टिव रहती हूँ बट आई थिंक बट वरीज में दो तीन चीजें मुझे यू you नो know, थोड़ा चिंतित करती हैं वन इज देर आर गुड पीपल ऑन सोशल मीडिया जैसे कि आपने कहा देर आर गुड पीपल हुआ सिंप्लीफाइंग कॉन्सेप्ट एट्सेट्रा बट देर आर टू मैनी ऑफ दैम सो यू रियली हैव टू फिल्टर हुई लिसन टू एंड हुई नॉट लिसन टू हू इज गिविंग मी एडवाइस फॉर वॉट रीजन यू नो क्या किसका इंसेंटिव है आपको एडवाइस देने का सेकेंड यू हैव टू रियलाइज के जो लोग YouTube पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इंक्लूडिंग मी मैं भी लिखती हूँ एडवाइस uh, देते हैं वो एक जेनेरिक एडवाइस देते हैं क्योंकि वो आपकी सिचुएशन को दे डोंट नो योर सिचुएशन सो इट डज नॉट सब्स्टिट्यूट द नीड फॉर पर्सनलाइजेशन एंड एडवाइस ना इफ आई गो एंड से ऑन सोशल मीडिया स्मॉल कैप बहुत अच्छी चीज़ है स्मॉल कैप अच्छी चीज़ है दस साल में वॉलीटाइल है बट इफ़ यू आर अ पर्सन जिसने इक्विटी में कभी इन्वेस्ट नहीं किया और आपकी जेनवन रिस्क कैपेटाइट स्मॉल कैप भी नहीं है देन दैट एडवाइस इज नॉट सूटेड फॉर यू So, advice has to be taken with a grain of salt, and finally, you have to build. I think Nivezh ka investing a subservice lesson hai na. it is do what is right for you. And I think sometimes these tips can make you forget that. And the third thing that bothers me, which comes back to Jaha se this conversation about what is wealth, is that if you follow social media, I always people are showing off about their portfolios as inka 40 percent, inka 30 percent, inka 50 percent. This is not a horse race. Wealth is to achieve goals. Wealth should not cause you stress. So, I think don't get into this race. Honestly, I, I wrote this in my book whether it is in your life, or whether it is in your career, or whether it is in your money, this Shanmaji Ka beta tendency na, achieves nothing for you except unhappiness and dissatisfaction. Because there is always someone who is ahead of you, and there is always someone who is behind you. देर विल ऑलवेज भी सम वन अड ऑफ यू अगर हम ये भी अगर hmm. दिमाग में डाल लें तो काफी चीजें सिंपलीफाई काफी चीजें सिम्पली वो होगा अपने जंगल का राजा हम hmm. देख लेते हैं हमें क्या चाहिए दर्ड रिचेस्ट मैन इन दर्ल्ड से

एंड फाइनली ही वाज़ टेलिंग मी द एडवाइस ही गिव्स पीपल व्हेन क्लाइंट्स आर फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री क्योंकि ये सब होता है सर आपने जो पैसा कमाया सारे हम है उसको आप एंजॉय करिए जिंदगी भी एक लिमिटेड चीज है ये इससे झगड़ना इसने ज्यादा किया इससे अचीव क्या होता है एग्जैक्टली आई थिंक आपने बता दिया कि वेयर डू यू नो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स या मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स गो रॉन्ग क्या माइंडसेट है यू हैव सीन मल्टीपल रिसेशंस एंड आपके हर रिसेशन में आई होप क्लाइंट्स रहे होंगे राइट सो उनका क्या बिहेवियर होता है रिसेशनस में वो करते क्या है सो वन आई वुड से कि थिंग्स हैव गॉटन बेटर एंड आई थिंक व्हाट हैपेंस इज इंसान गिरके ही संभलता है राइट सो यू नो देयर आर स्टैंडर्ड थिंग्स इन आई थिंक इन्वेस्टर्स एज तो जब पहला आदमी रिसेशन देखता है चाहे अपने चा यहां पहला करेक्शन देखता है चाहे आपने 2008 का देखा हो या 13 का देखा हो जो भी आपका पहला होता है उसमें आदमी बहुत घबराता है आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक होती है आप यूजुअली एक्विटी जैसे एसेट क्लास में तब आए होते हो जब रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं यू डोंट अंडरस्टैंड वाई गॉन रॉन्ग निकालने की आप वो करते हो ऑफन uh, आपने जितनी रिस्क लेने की आप में क्षमता थी उससे बहुत ज़्यादा आपने एलोकेट किया होता है तो ये पहले रिसेशन के मुझे लगता है बिहेवियर्स होते हैं आई थिंक आफ्टर यू सी टू थ्री मार्केट करेक्शन आपकी एजिंग हो जाती है आप थोड़े से ग्रोन अप हो जाते हो यू गेट अ लिटिल कामर देन यू समाज इफ़ यू हैव अ वर्ल्ड अनाफ यू इवन यूज दोचुनिटीज टू इन्वेस्ट मोर इन द मार्केट बट आई थिंक एवरी वन लर्न आउट ऑफ देयर फर्स्ट रिसेशन फर्स्ट करेक्शन वॉट एवर क्लास इट्स इन आई एंड गिव यू एन इंटरेस्टिंग वन अगर मैं इंडिया को एक मैक्रो तौर से देखूँ तो लार्ज नंबर ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स टूडे उन्होंने अपना पहला करेक्शन

मैंने जब भी कुछ कंटेंट बनाया है फिक्स इनकम पे तो अब से मैं अपफ्रंट बोल देता हूँ कि देखो ट्रिपल ए रेटेड है इसका मतलब ये नहीं है कि डिफॉल्ट नहीं होता हाँ। क्योंकि एक बार मैंने नहीं बोला था तो सेम चीज कमेंट्स में व्यूअर्स ने लिख दी कि ऐसे कैसे ट्रिपल ए रेटेड है तो डिफॉल्ट होता है इसको देखो उसको देखो तो लोग अभी मुझे लगता है डरे हुए हैं वो एक एक दो एग्जाम्पल से अब सब लोगों को लगता है ये तो बेकार ही है तो जब तक थोड़ा और एजिंग नहीं होती तब तक आई थिंक वो वाला हाँ आपको याद होगा 2013-14 की बात है कमोडिटी मार्केट में एक एन के नाम का वो हुआ था उसके बाद से लोग कमोडिटीज़ में डरे हुए हैं क्योंकि पहली बार कमोडिटी में निवेश किया ये हुआ आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स आई ऑलवेज टेल पीपल इज़ के अगर आपको अपनी ज़िंदगी थोड़ी आसान करनी है उन चीज़ों में इन्वेस्ट करिए जो आपको थोड़ी समझ आती हैं। आई सी दिस अगेन विद इंटरनेशनल फंड्स इंटरनेशनल फंड्स में जो बाहर के मार्केट्स में है यू एस टे कॉल देंट आई हैव लार्ज फंड्स इन दैट कैटेगरी लोगों ने पहली बार निवेश किया है 2018-19-20 में आफ्टर सीइंग द रिटर्न्स अब 22 में उन्होंने करेक्शन देखा है तो एक सेंस ऑफ पैनिक है दूसरा लोगों को ये मार्केट समझ नहीं आते कि भाई अच्छा इंडिया में कुछ हो रहा है तो आपको समझ आता है यहाँ की इकोनॉमी इट्स अ क्लोज वेन इट्स अब्रॉड यू डोंट अंडरस्टैंड इट So I always tell people that don't jump into things you don't understand because when they go wrong, then you get very confused. If you don't understand things when they go wrong, then you start thinking fraud, chaos, confusion. Fixed income के साथ भी, exactly. credit के साथ भी ये हुआ है. आज की तारीख में जब एक small cap fund 20 percent गिरता है, लोग ये नहीं कहते fraud हुआ है. Right. लेकिन एक fixed income में negative return आता है, आदमी तभी भी stress होता है. Exactly. I think uh, this is a lot to do with your expectation. Yeah. कि एक तो हम बिना जाने घुस गए क्योंकि चार लोगों से सुन लिया हमने रिटर्न भी देख लिए एंड हमने रिटर्न जो देख लिए वो पास रिटर्न है अब हम घुस गए हैं अब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता

मैं आपको मैथमेटिकली बता सकती हूँ कि किसी भी फंड का हम तो देखते हैं फ्लोर्स भी अपने किसी भी फंड का किसी भी क्लास का एक साल का साल रिटर्न बहुत अच्छा हो बहुत सारे पैसे आते हैं एक रिवर्सन होता है एग्जैक्टली जबकि उल्टा होना चाहिए तो ये जो लास्ट वन ईयर रिटर्न की कहानी है आप एक्चुअली प्लॉट करके देखिए बात से बिल्कुल 100 काफी पोर्टल्स पे भी ना वो हाईलाइट करके दिखाया जाता हाँ। है ये मतलब अगर आप 10 साल का ऐसे एनुअलाइज दिखाएं तो थोड़ा किसी की एक्सपेक्टेशन चेक में आए ना इट इज़ ट्रू यू नो आई मीन आई समाइम्स ही पीपल अपने पोर्टफोलियोज डालते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे तो आपको देख के पता चल जाता है कि ये क्यों हुआ राइट right. आपने कब निवेश किया था इफ़ यू आज दम यू इन्वेस्टेड यू विल अंडरस्टैंड वाई राइट 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 बट uh, आपने सही बोला इंसान थोड़ा बहुत गलती खा के सीखता है अदर थिंग आई टेल पीपल इज इसके गलती करना इन इट डील अगर आप इन्वेस्टिंग के ग्रेट्स भी देखें सब गलती करके ही सीखे हैं द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि गलती करके एक बार सीखना चाहिए और अपने आप को बेटर करना चाहिए द अदर थिंग आई ऑलवेज टेल इन्वेस्टर्स इज जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स हैं न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो शुरुआत कर रहे हैं कि छोटे

स्टार्ट इज सोन एज पॉसिबल इट गोज विदाउट सेंग आई हैवे टू मंथ्स ओल्ड सन मैंने उसकी एस आई पी शुरू कर दिया सो यू शुड इन्वेस्ट दैट गोज विदाउट सेंग बट आई थिंक यू शुड थिंक थ्रू दिस वन इज ट्वेंटी इज मिना यू आर ग्रेट एट लर्निंग सो यू शुड लर्न अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट मैंने आपको अपने क्लाइंट का जिक्र किया था किस्सा बताया था यू शुड लर्न हाउ टू इन्वेस्ट एंड यू शुड लर्न द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग यू शुड रीड शुड अंडरस्टैंड इक्विटी यू शुड अंडरस्टैंड डेट आई थिंक इन योर ट्वेंटीज यू डोंट हैव लाइबिलिटीज दैट्स अ वेरी नाइस थिंग सो यू कैन रियली पुट अवे मनी फॉर द लॉन्ग टर्म सो द स्टेप्स आई टेल पीपल टू फॉलो इन द ट्वेंटीज इज़ इफ यू हैव मंथली इनकम फर्स्ट पुट अ सेविंग्स टार्ग दैट इस वेरी हार्ड इन दिस डे ऑफ मटीरियलिज्म कंज्यूमरिज्म क्योंकि इतनी चीज़ें हमें दिखती हैं खरीदनी है तो अपनी पोस्ट टैक्स इनकम का एक अमाउंट आप डिसाइड करिए जो आपको मंथली सेव करना है आ, और धीरे धीरे निवेश करना शुरू करिए अगर आप कर सकते हैं तो कुछ गोल्स बनाइए लॉन्ग टर्म गोल्स शॉर्ट टर्म गोल्स उसके हिसाब से करिए अगर आपके गोल्स नहीं है क्योंकि ऑफन इन ट्वेंटी देन स्टार्ट योर बेसिक एक्विटी इन्वेस्टमेंट विद योर मंथली इनकम आई बिलीव अगर कोई ट्वेंटी में है और वो अभी इन्वेस्ट नहीं भी करता बट वो लर्निंग पे फोकस करता है तो वो कैचअ बड़े आराम से कर पाएं बियॉन्ड पॉइंट बिकॉज इट सो बिहेवियरल ये आप करके ही सीखते हैं गिर के ही सीखते हैं तो छोटे अमाउंट से निवेश करो आई एम से आप सीखो हज़ार आपकी महीने की बीस हजार रुपए की कमाई है आप हजार रूपए की एस आई पी करो right. हजार रूपए का निवेश करो देखो इक्विटी मार्केट कैसे गिरता है आप ट्वेंटी वर्सेज थर्टीज करोगे तो उतना उतने साल आपको फिर से लगा नहीं है एंड आप ट्वेंटीज में करोगे तो आप गलती भी जब करोगे तो छोटी इनकम पे करोगे छोटी इनकम जब लाइबिलिटीज नहीं होंगी िटी है थिंकिंग अबाउट योर मनी इन वेरी सिंपल फ्रेमवर्क इन थ्री बकेट्स लॉन्ग टर्म जो पाँच साल से ज़्यादा का पैसा है जो उनके गोल्स हैं तीन साल का पैसा और उससे कम एक साल का पैसा एंड देन यू हैव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट प्लान विद दैट इंटू अकाउंट फॉर इंस्टेंस इफ यू आर गोइंग टू हैव अ चाइल्ड टू स्टडींग अब्रॉड There will be a certain liability that you will have in 15 years. It will be a liability in US dollars, not Indian rupees. So, you have to do specific planning. So, in your twenties, you goal-oriented. You can get away with that, but in your thirties and forties, you have to become a lot more goal-oriented. एंड आपका इन्वेस्टमेंट का जो कलर है दैट विल शिफ्ट बेसिस योर गोल्स ए अदर थिंग इन योर थर्टीज़ एंड फोर्टीज आई वुड रिकमेंड एंड आई नो सम ऑडियंस विल लिसन टू दिस इज यू आर प्रोबली मैरिड बाई दे राइट यू नो इन योर फोर्टी इज डेफिनेटली यू हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट्स अ फैमिली एक्सरसाइज दोनों फैमिली मेम्बर्स को साथ में जाके अपने गोल्स प्लान करने चाहिए पार्टनरशिप में अपने इन्वेस्टमेंट्स उस हिसाब से प्लान करने चाहिए साथ रिव्यू करना चाहिए इट शुड बी ए फैमिली थिंग नॉट एन इंडिविजुअल थिंग

यू नो एनी रिपोर्ट यू सी मे इनजीज नंबर्स एनी बडी विल सेट इफ विमेन व टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू इंडिया जी डी पी इट वुड मूव जी डी पी इन परसेंटेज नॉट इवन इन बेसिस पॉइंट तो तो इट गोज विदाउट से दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ अगर आपकी विमेन मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड फर्स्टली वेमेन आर वेरी गुड विद मैनी थिंग्स फाइनेंस रिलेटेड बजटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेशन ये तो नेचुरली वेमेन की स्ट्रेंथ रही है If you have an educated, financially literate woman, she She will will bring up a better generation. She will make better generation. make because women make most decisions. वो घर के कंजम्शन 80% परसेंट बनाती हैं अपनी फैमिली के लिए शायद करती हैं, अपने बच्चों के लिए शायद करती हैं तो दी इम्पैक्ट ऑफ वीमेन गेटिंग इन वॉल्ड इज इको सिस्टम रिलेटेड बिकॉज रोल मॉडलिंग का बहुत फायदा होता है सो वीमन डू वॉन्ट राइट बट कई बार क्या होता है कि कोई करने नहीं देते या फिर उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको पीछे होल्ड uh, बैक करती हैं बट आपने वो बात सही बोली कि उनसे कभी भी पूछ लो घर में आटा कितना पड़ा है वो वाले कपड़े किधर पड़े हैं सब कुछ उनको अगर इधर याद है तो सोचो वो पोटेंशियल हम अगर जॉब uh, फोर्स में लेकर आएँ तो क्या कुछ चेंज हो जाएगा इससे ही एक बहुत बड़ा लेसन निकलता है बहुत कम लोग सोचते हैं मैं नहीं हूँ मैरिड वैसे बट लेट्स आई एम दैट हस्बैंड जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा मैं hmm. कर लूंगा यू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन यू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स एंड इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे ऐसा कुछ है नहीं कि उसको hmm. दबाया जा रहा है एंड शी इज ऑल्सो अग्रिंग कि हाँ हाँ hmm. हा, आप कर लोगे बट मोस्ट ऑफ आर यू नो कॉजेज ऑफ बिग प्रॉब्लम्स इन हाउस कुछ भी डिसअग्रीमेंट हो गया कुछ भी हो गया सब कुछ मोस्टली पैसों से रिलेटेड होता है इकोनॉमिक ही होता है इकोनॉमिक ही होता है फाइनली इकोनॉमिक राइट सो अगर ये मैं एज़ हस्बैंड ये रियलाइज कर लूँ कि थोड़ा बहुत चलो इसके भी इसको भी करना चाहिए थोड़ा बहुत मैं भी करता हूँ बाकी जो काम है उसके लिए अगर हम कोई मेड भी रख लेते हैं hmm. तो भी वो जो झगड़े हैं वो hmm. थोड़े से कम हो जाएंगे। हैंज पोजिशन बट आई एम सिटिंग बट कर ही रहे, रहे हैं थोड़ी हेल्प के साथ कभी मैं घर से काम करती हूँ कभी वो घर से काम करते हैं बेबी को भी इंडिपेंडेंट बना रहे हैं तो हो जाता है अगर आप ये कॉन्शियसली डिसाइड करें कि घर भी दोनों की जिम्मेदारी है और काम करके कुछ अचीव करना घर के लिए कंट्रीब्यूट करना इनकम करना ये भी दोनों की जिम्मेदारी है तो साथ साथ मिल हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल सही बात है एंड आई थिंक अगर हम ये अचीव कर लेते हैं तो वो जो हमारा रिलेशनशिप है वो और स्ट्रॉन्ग रहेगा वो बॉन्ड और डीप बन जाएगा क्योंकि बोथ हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू टू डू एंड एंड वेरी फ्यू टाइम आर्ग्यू ओवर पेटी थिंग्स इट इज़ फन द जर्नी इज फन यू नो बोथ हैव प्रोफेशनल फुलफिलमेंट बोथ हैव द दिलीव के मैं एक जमाने में कह रहे थे फादर्स बच्चों की अपब्रिंगिंग में इन्वॉल्व ही नहीं थे मेरे को एक मेरे इंडस्ट्री सीनियर कॉलीग कह रहे थे फादर को भी वो गिल्ट नहीं रहेगा राइट <laughs> right. सो लास्टली वट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स यू सी मोस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज मेक ओके सो यू आई थिंक वन इज दैट एंड आई डोंट ब्लेम एनी वन सो लेट मी स्टार्ट विद देट अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल आर वेरी कंजर्व एक एफ डी के ज़माने से आए हैं हमें एक पोस्ट ऑफिस और एफ डी के ज़माने से आए हैं मुझे याद है मेरे फादर ने तो खैर शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था लेकिन उनके बहुत भाइयों के लिए तो वो डाक खाना जिसे कहते थे <laughs> वो ही वो था तो एक वो सिक्योरिटी का माइंडसेट है एंड दे हैव नॉट फ्लिप्ड द स्विच ये भी नहीं देखते कि एफडी में आज अगर आप निवेश करें इन्वेस्ट करें तो यू पे फुल टैक्स ऑन इट देर आर डेट म्यूचुअल फंड्स वेयर यू गेट एफ लाइक एक्सपीरियंस लाइक हम लोग भारत बॉन्ड जैसे प्रोडक्ट्स चलाते हैं विद बेटर टैक्सेशन सो वाई एन द गवर्नमेंट हैज़ गिवन यू एफिशियंट वेज टू सेव योर हार्डर्न मनी इन टर्म्स ऑफ टैक्स न प्लीज मेक योर मनी वर्क फॉर यू एक पुराना जो माइंड सेट है उसको चेंज करना है दूसरा अभी भी आई थिंक एज मिडिल क्लास इंडिया वी डोंट लाइक द आइडिया ऑफ टेकिंग एडवाइज हमें लगता है यार ये इनवेस्ट मैं अपने घर में देखती हूँ फादर के फ्रेंड या मदर के फ्रेंड कोई भी फोन करके राधिका मुझे कोई स्टॉक टिप बता दो ये कर दो समटाइम्स यू डोंट रियलाइज दर प्रोफेशनली मैनेज वीकल्स लाइक म्यूचुअल फंडेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हम जब बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते नहीं है उसको फीस देने से वो नहीं करते चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी देते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स की हमें ये काम एक प्रोफेशनल का काम है तो आई थिंक दैट इज़ अनदर थिंग दैट वी हैव टू सॉर्ट ऑफ गेट ओवर क्योंकि हम ये नहीं करते फिर हम इक्विटी में ज़्यादा निवेश करते हैं गलत टाइम पे करते हैं वी गेट इन टू थिंग्स लाइक क्रिप्टो देन वी थिंक कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है

ये ये आप जवाब जवाब देने में शायद मिनट लगा दोगे क्योंकि बहुत सारे इन cases मैं ये भी कि मुझे पता नहीं है क्योंकि आई नो ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है राइट बट वही मैं किसी मिडिल क्लास पर्सन से पूछू जिसने दो पांच रुपए भी इन्वेस्ट करें वो अगर उसने इन्वेस्ट कर दिया है कॉन्फिडेंस में तो बोलेगा निफ्टी तो इक्कीस हजार जाएगा और ये इनकी मत सुनो ये तो करते रहते हैं तो ये तो, ये तो तो चाहते हैं हम इनके पास आएं। और अगर वो, वो ही मार्केट गिरे ना थोड़ा तो वो कहेंगे निफ्टी पंद्रह का है तो वो दस पे जाए <laughs> exactly. तो आई थिंक इन एनी केस यू नो एज अ सोसाइटी वी आर वेरी ड्रामेटिक पीपल हम क्रिकेटर को यहाँ चढ़ा देते हैं फिर गिरा देते हैं फिल्मों में भी हमारा तो हमारा पेंडुलम बहुत जल्दी हम बहुत इमोशनल है मार्केट्स के साथ भी या तो इंडिया शाइनिंग इंडिया से बड़ा कुछ नहीं है या इस देश का कुछ नहीं हो सकता आई थिंक इन्वेस्टिंग इज अबाउट बींग बोरिंग एंड बैलेंसड एंड इन द मिडल एंड ये इट हैज़ टू डू है वॉट मीडिया शोज अस अगर आप बोलोगे ना कि आई एम कॉन्फिडेंट मैं मेरा पैसा भी लगा रही हूँ आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट्स जो भी होगा देख लेंगे बट सो फार आई सी गुड थिंग्स इन फ्यूचर ये न्यूज बहुत जल्दी दब जाएगी कोई <laughs> नहीं पड़ेगा इसको बट आपने अगर किसी को डरा दिया न्यूज में ये बोल के कि गिर जाएगा फिफ्टी परसेंट करेक्शन कमिंग डॉलर वाइप डाउन राइट बहुत ये, 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 लगता है। और ये जाता है वायरल क्योंकि we are, we are हमें पॉजिटिव चीजें पसंद ही नहीं आती हैं तो अब न्यूज आउटलेट को भी कितना ब्लेम करेंगे हम जब मांगते ही वो हैं हम इंटरेक्ट उसी आर्टिकल से करते हैं तो देर फोर्स पब्लिशल्स आई थिंको चेंज तो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मेर टाइम थैंक यू सो मच